हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इंजर्ड प्लेइंग 11 की वजह से नॉर्मल प्लेइंग 11 चुनने में दिक्कत हो रही है टीम इंडिया को। जी हां, इंजर्ड प्लेइंग 11। आप सोचेंगे ये क्या है भाई, तो दोस्तों ये पहली बार ऐसा होगा, मुझे तो नहीं याद, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं छोटे से तब तक मुझे तो ऐसा नहीं याद कि टीम इंडिया किसी दौरे पर गई हो और उसके जो चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट हो वो एक के बाद एक बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि एक प्लेइंग 11 आप उतार सकते हैं। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं इंजर्ड प्लेइंग 11 की वजह से जो हमारी टीम इंडिया की नॉर्मल प्लेइंग 11 है उसको चुनने में दिक्कत हो गई है, क्योंकि प्लेयर शॉर्ट पड़ रहे हैं। अभी इंजर्ड प्लेइंग 11 क्या है, देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है ईशांत शर्मा से, सबसे पहले, क्योंकि ईशांत शर्मा इस दौरे पर आ ही नहीं पाए क्योंकि वो चोटिल थे। ईशांत शर्मा के साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार भी, वो आईपीएल में चोटिल हो गए थे, वो भी नहीं आ पाए थे, तो वो वहां से दिक्कत और हमारी बढ़नी शुरू हो गई। ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, इसके बाद हमने देखा जब मैचेस शुरू हुए, शुरुआत के एक दो टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भी नहीं थे। अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में होते जो इंडिया हारी थी तो वहां पर चीजें बदल सकती थी, तो वो तीसरी मार उस चोटिल खिलाड़ी की, हालांकि उसके बाद दो टेस्ट मैच के बाद वो आ गए लेकिन वो शुरुआत में तो मार पड़ी, तो वो तीसरे खिलाड़ी हो गए रोहित शर्मा। उसके बाद देखिए विराट कोहली यहां से वापस गए और उनके साथ ही साथ मोहम्मद शमी भी चले गए क्योंकि वो चोटिल हो गए, एक और चोट की मार। उसके बाद देखिए अगले मैच में हमने देखा कि उमेश यादव को भी चोट लग गई, वो भी बाहर हो गए, पांचवा खिलाड़ी। उसके बाद हमने देखा कि उमेश यादव के बाद केएल राहुल भी बाहर हो गए, उनको भी चोट लग गई, छठा खिलाड़ी। केएल राहुल के बाद हमने देखा कि जब पिछला मैच हुआ उसमें रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों भी चोटिल हो गए, यानी कि हो गए 9 से 10 खिलाड़ी। अब इसके बाद अभी जो खबर आ रही है उसमें यह खबर आ रही है कि मयंक अग्रवाल भी नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए हैं और उनका अगला मैच खेलना भी बहुत ज्यादा संदेह उस पर खड़ा हुआ है, मतलब संदेह के बादल मंडरा रहे हैं और उस पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं मयंक अग्रवाल को, और दिक्कतें उनको होंगी तो टीम इंडिया को भी होंगी। तो देख लीजिए, गिनते चले जाइए, ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। अब बताइए क्या करेगी ऐसे में टीम इंडिया। इस इंजर्ड प्लेइंग 11 की वजह से हमारी नॉर्मल प्लेइंग 11 इसीलिए चुनने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जितने तमाम मैंने आपको नाम गिनाए ये सही होते अगर तो शर्तियां खेल रहे होते, और फिर तो ऑस्ट्रेलिया को फिर समझ रहे ना, वो भी कर रहे होते, खेल रहे होते और ठोक भी रहे होते, बजा रहे होते कायदे से। तीसरे मैच में तो हमको उम्मीद है कि टीम इंडिया जीत जाती है अगर ये इतने ज्यादा प्लेयर्स हमारे इंजर्ड नहीं होते। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा, मुझे तो नहीं याद कि कभी भी टीम इंडिया की कोई भी लाइनअप इतनी ज्यादा किसी दौरे पे जाते वक्त चोटिल हुई हो। एक खिलाड़ी हो जाते हैं, दो खिलाड़ी हो जाते हैं, तीन खिलाड़ी हो जाते हैं, प्लेइंग 11 नहीं बन जाती है पूरी। तो बताइएगा ये अंदर की रिपोर्ट कैसी लगी, बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।